तो एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। एक बार फिर उन्होंने सत्ता और संगठन को नसीहत दे डाली है। इस बार रघुनंदन सीएम मोहन के सामने बिचौलियों पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। बिचौलियों से रघुनंदन परेशान, बीजेपी में मचा घमासान, सीएम के सामने ही दे डाली नसीहत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने सत्ता में सक्रिय बिचौलियों को दूर करने की सरकार को नसीहत दी है। नीर नवजीवन परियोजना कार्यक्रम के दौरान रघुनंदन शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने शासन और प्रशासन की गंदगी को साफ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन में भी बहुत शुद्धिकरण का अभियान चलाना है। वहाँ भी बहुत गंदगी है, वो गंदगी नजर नहीं आती है, वो तन के नीचे छिपी हुई गंदगी है। उस गंदगी को आप अपनी जो आपकी असीम ऊर्जा शक्ति है और तेज प्रबल मनोबल है, उस प्रबल मनोबल से और उस असीम ऊर्जा से शक्ति से भरपूर होने के कारण आप गंदगी को दूर कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उधर रघुनंदन शर्मा के बयान पर कांग्रेस उन्हें साधुवाद दे रही है। कांग्रेस इस बयान के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रही है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताए। साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सलाह उनको दे रहे हैं वो उनकी सलाह गंभीरता से लें। 17 सालों में शिवराज सिंह जी के राज में जो गंदगी पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक फैल गई है उसको हमको दूर करना है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन पर सवाल उठाया हो। इसके पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले बयान दिया था कि बीजेपी में जब हाईकमान जैसा कुछ बचा ही नहीं है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी वो ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर सवाल उठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।